आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ। आज की बड़ी खबर, लाखों कीमत की विदेशी वाइन का अवैध स्टॉक हुआ जब्त। थाने आबकारी विभाग को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान धावनी कम्प्लेक्स दुकान से 750 ml की 5228 बोतलें विदेशी वाइन बरामद हुई। इस मामले में आबकारी विभाग दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। आगे देखिए पूरी खबर विस्तार से। थाने से एचएनआई लाइव की रिपोर्ट। थाने के डिविजनल लाइन स्क्वाड ने धुआनी कॉम्प्लेक्स अनगांव वाड़ा रोड भिवंडी में कल रात को छापा मार के 5,288 वाइन बॉटल्स जब्त किए हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बने थे, इलीगली यहाँ पे इंपोर्ट किए गए हैं, जिसके लिए कोई लाइसेंस उनके पास नहीं था, कोई भी इंपोर्ट फी या स्पेशल फी एक्साइज ड्यूटी नहीं भरी है, इसीलिए इतना सारा मुद्देमाल हम लोगों ने जब्त किया है। लगभग 55 लाख से ज़्यादा उसकी कीमत है। दो आरोपी रविंद्र कुमार तिवारी और आबिद अली शेख, रियाज अली आबिद, ये दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। वो दोनों को हम लोग कोर्ट के सामने पेश करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी जो भी इंक्वायरी हो जाएगी, उनकी इंक्वायरी करके और इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करने की हमने तजवीज़ रखी है।